व्हाट्स अप गाइज, वेलकम टू द वीडियो। और मैं हूं आज त्यागी के साथ। ऐसे ही घूम रहे हैं हम और दिल्ली में बहुत नेक्स्ट लेवल वाली ठंड हो गई है। मैंने तो एक ही स्वेटर पहनी है, इसने ये जैकेट, दो जैकेट, उसके नीचे एक टी शर्ट, उसके नीचे टी शर्ट, उसके नीचे गर्म बनियान, उसके नीचे छोटी पतली वाली बनियान और उसके नीचे एक और फटी वाली बनियान। तो भाई बाल से भी तो प्रोटेक्शन हो रही है, बाल भी एक लेयर होती है भाई। और गाइस दीज आर द न्यू शूज जो मैंने अभी रिसेंटली खरीदे हैं। दीज आर प्यूमा फरारी एडिशन। कैसे लग रहे हैं भाई? ये तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन यहाँ पे पान थूका हुआ है इसने गंद मचा रखा है। मैं शायद गलत जगह खड़ा हूँ, बट आप बात समझ जाओ। और ये शूज एक्चुअली मैंने अपने पापा के लिए खरीदे थे, लेकिन उनको थोड़े आगे से टाइट हो रहे थे तो मैंने रख लिए। तो बढ़िया है, मतलब जनपत पालिका और ये चोर बाजार ब्रो फरारी एडिशन। हाँ तो जनपत में मिलता है। एक चीज बोलनी है मेरे को, जैसे भाई एक मिडिल क्लास फैमिली को मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। अपने पास कहना चाहता हूँ, कितने जूते होते हैं? 2-3 जूते होते हैं। एक रैंडम मिडिल क्लास, चल अपर मिडिल क्लास बंदे में कितने जूते होंगे? 2-3-4। मेरे पास तो 2 जोड़ी हैं बस भाई। तो मेरा भाई, मैं अपने भाई के भी तो चेंज करके पहन सकता हूँ ना। हाँ। मेरे भाई का पैर का साइज सेम है, तो लगा लो 4 या 5 जोड़ी ले लो यार। घंटा जूते हैं, लगा एक अलमारी जूतों से भरी हुई है। बात यह है की जब भी मैं इंस्टाग्राम पे फोटो डालता हूँ, मान लो जो मेरे ब्लू वाले एडिडास वाले शूज है, उसमें मैंने फोटो डाली, ठीक है। फिर मैंने 2-4 दिन बाद एक और फोटो डाली। हाँ। तो मैंने किसी जूते में 2-3 फोटो डाली ना, तो एक भाई हूतिया होता है, कमेंट करता है भाई नए जूते ले ले, नए जूते ले ले। भाई एक जूता जब हम लेते हैं उसको 2-4 साल तो चलाएंगे ना भाई तो हर फोटो में मैं अलग जूते थोड़ी ना पहनूंगा यार। मेरे को भाई कितना तो गुस्सा आता ना भाई। 3-4 कमेंट आ चुके हैं और हमेशा 1-2 हूती होते हैं भाई। तो इसलिए सुधर जाओ, ये कमेंट करना बंद कर दो। एक काम कर, उसमें नहीं, एक अलग से नंबर ले ले, डिस्क्रिप्शन में डाल दे, जिसको फालतू कमेंट करने से पेटीएम कर दो। पैसे सोच रहा था पेटीएम मांग लो। और मेरे उसके ऊपर नहीं, गौरव तुटेजा की भी फोटो देख रहा था मैं इंस्टाग्राम पे, उसमें भी लोगों ने कमेंट किया था भाई नए जूते ले लो, नए जूते ले लो। कहाँ से ले लें भाई? पैसे दे दो। पैसा तो खैर है उनके पास, बट एक जूता अगर लिया है तो 1-2 साल तो चलाएंगे भाई। जितना भी अमीर बंदा हो 1-2 साल तो एक नॉर्मल जूता चलाता है ऑब्वियसली भाई। तो ये है, ये 2 साल की बात कर रहे हैं। मैंने 5-5 साल जूते पहनता था। तो 2 साल तो मैं हम्बल होके बोल रहा हूँ, 4-5 साल चलता हूँ 5-5 साल पहनता हूँ। मैं स्कूल में था, गोला शूज ने कितने पहले है अब तक पहनता है गोला शूज। जब मैं 12वीं में था तब मैंने नाइकी के शूज खरीदे थे। अपनी लाइफ में सबसे महंगे जूते जब मैंने उस टाइम खरीदे थे 3200 के थे। वो 3200 के थे। मेरे को बहुत, मेरे घर वालों ने बहुत सुनाया था, अपनी सेविंग से खरीदे थे। मेरे रिश्तेदारों ने मेरी बेइज्जती करी कि भाई इतने महंगे जूते। और दैट इज एक्चुअली महंगा, उस टाइम के हिसाब से तो बहुत महंगे थे 3200 के जूते। बट वो जूते मैंने 6 साल चलाए, 6 साल बाद फेंके हैं। तो भाई महंगे खरीदते हैं तो उसको रगड़ते, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को ये लगता था ना स्पार्क्स के 700-800 वाले जूते बेस्ट होते हैं। भाई मैं ये नहीं कहूँगा स्पार्क से खराब होते, बट नाइकी तो ब्रांड है ना, क्वालिटी है भाई, वो चलते हैं लंबा। जस्ट बिकॉज की वो उस पे जूते 4 से 5 साल चले। नहीं एक बात, जस्ट बिकॉज उस पे ये वाला टिक लगा है इसलिए तो तूने नहीं लिए। मैं इसलिए लेता, देखो ब्रांड, तेरे को कंफर्ट जोन चाहिए। ऑनेस्टली तो मजा भी आता है, ठीक है, बट कंफर्ट जोन चाहिए, कंफर्ट है। अच्छा, बट ये एक होता है ना, ब्रांड वैल्यू भी है, अच्छा लगता है। अच्छा, और फिर उन लोगों को क्या बोलेगा जो लोग बोलते हैं कि भाई यार हर वीडियो में नए जूते लो। भाई अगर मिल गए ना, पर्सनली बहुत सूतूंगा, बनियान को गीला करके मारूंगा, कसम से बता रहा हूं भाई। इसने मेरे को स्कूल में मारा था एक बार, बनियान वो रुमाल गीला करके लाया था, बनियान करके मारूंगा, रुमाल गीला करके लाया, पूरा रोल करके पट्ट मारा था भाई, पट्ट से हेडशॉट दिया था इसके भाई, पीछे से एकदम से आया, पता नहीं कहां से टपक के आ गया था। सो गाइस, सम नारियल पानी बिफोर वर्कआउट और मॉन्स्टर पी के पैसे उड़ गए सारे। तो सस्ता ऑल्टरनेटिव जो कि हेल्दी है, देसी हेल्दी। और कितने का है? 40 रुपए का, 40 रुपए का एक आया भाई। 1 लीटर करीब पानी आ गया। मॉन्स्टर आती है अपनी 80 रुपए की, 350 ml। बढ़िया टेस्टी, 1 लीटर। बहुत टाइम बाद पी रहा हूँ, मीठा भी है, मजा आ गया। तो गाइस आप लोगों ने देखा है कि मैं लेटली बहुत स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट करने लग गया हूँ। और मैंने बोला है कि इस साल मेरा गोल होगा कि अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है बहुत ज़्यादा। बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं आपको एक सेट गोल भी बताऊँ, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट ईयर बोला था कि मैंने शायद कब बोला था, सितंबर में, कि मैं दिसंबर तक 190 डेडलिफ्ट मारूंगा। 190 का प्रॉमिस किया था, बट आई एंडेड अप डूइंग 207 किलो, एंड दैट्स अ बिग डील। तो इस साल के लिए भी हम कुछ गोल सेट करेंगे। तो पहला डेडलिफ्ट में जो मेरा गोल है, और पहली बात ये गोल इस साल का नहीं है, 6 महीने का है। तो मतलब जुलाई 31 जुलाई कर लेते हैं, ठीक है, 31 जुलाई, ठीक है, अभी तक 31 जुलाई तक, या उससे पहले भी हो सकता है। आई विल बी डूइंग 220 डेडलिफ्ट 100 मैक्स। अभी 207 है, तो 220 100 मैक्स। और बेंच में क्योंकि बेंच मेरी वीक है तो थोड़ा कंजर्वेटिव लूंगा, ठीक है, जबरदस्ती ईगो में बहुत ज्यादा गोल नहीं सेट कर रहा। जो मैं गोल बना रहा हूँ दैट इज 100 kgs बेंच फॉर 3 to 4 रेप्स, ठीक है, 3 to 4 रेप्स, ठीक है, और ये मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग होगा। अभी करेंटली मैं मार रहा हूँ 95 किलोज फॉर 2-3 रेप्स मार लेता हूँ, और स्क्वाट्स में करेंटली मेरा है 135 किलोज फॉर 3 रेप्स। तो जो गोल मैं बना रहा हूँ दैट इज 150 फॉर 5 रेप्स, ठीक है। सो चैलेंजिंग है थोड़ा। 31 जुलाई 2020, एंड अब तक जो भी चैनल पे प्रॉमिसेस करे हैं पूरे करे ही हैं मैंने, तो ये वाला भी पूरा होगा। बट कंसिडरिंग मैं इंजरी फ्री रहा हूँ, क्योंकि जैसे मेरा लाइफस्टाइल है, फुटबॉल वगैरह खेलता हूँ, ये करता हूँ। आज का बहाना क्या है? तो थोड़ा होता है आज का बहाना आज हमें बेंच करना है, और मेरे बाइसेप पे थोड़ा सा एक माइनर इंजरी हो गई है। तो अब एक सेकंड मेरी ये मेरे गोल्स हो गए, ठीक है, ये चैनल मेरा है, मैंने अपने गोल्स बताना जरूरी है। लेकिन इस चैनल पे सबसे सेकंड मोस्ट पॉपुलर बंदा कौन है? तन्वी। और थर्ड मोस्ट पॉपुलर त्यागी। तो त्यागी का हम यहाँ पे गोल्स डिस्कस करेंगे। आज तू ट्रेडमिल के ऊपर चढ़, ट्रेडमिल के ऊपर बताना है। चल तेरी वाली स्क्रिप्ट में चालू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं काफ़ी टाइम से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चालू कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर हो चुका हूँ जिम में अंदर। हाँ, ये मैं बोलूँगा त्यागी काफ़ी रेगुलर हो गया लेटली, बहुत रेगुलरली जिम आ रहा है। मेरे बिना भी जिम आ रहा है, दैट इज समथिंग न्यू फॉर मी। मेरे बिना कभी जिम नहीं आता, बट मेरे आज से 3 साल पहले आता था। अभी का बता, ठीक है, अच्छा गोल्स बता हमने। तो सबसे पहले तेरी स्ट्रॉन्गेस्ट लिफ्ट जो है बेंच प्रेस, उसका बता। अभी मैं 100 किलो से 3 रेप मार रहा हूँ। हाँ, तो मेरा टारगेट है जुलाई तक 110 किलो पे जाना। फॉर हाउ मेनी रेप्स? 3 रेप्स, एटलीस्ट 3 से 4 रेप्स, ठीक है। डेडलिफ्ट में मेरा हाईएस्ट है अभी 150. अगर 152 है मेरा हाईएस्ट, और बट उसमें फॉर्म भी ठीक करनी है मेरे को। डेडलिफ्ट में 1 रेप मैक्स होगा, 1 रेप मैक्स रहेगा 180 जुलाई तक, ठीक है। स्क्वाट्स में 105 किलो पे 3 रेप्स मारता हूँ। हाँ, और मैं सोच रहा हूँ 110 से 15 किलो करूँ, 115 किलो फॉर 3 रेप्स। तो ये हम दोनों के गोल्स हैं। हाँ, जो जुलाई तक पूरे करने हैं, अचीव करते हैं कि नहीं। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई इंजरी भी एक बहाना नहीं। मैं बहुत इंजरी का बोल रहा था। आज हमारा बेंच का है, और मेरे मोहित की तरह मेरे भी यहाँ पे कुछ हो चुका है, ठीक है। इंजरी भी कोई बहाना नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा। लेट्स सी, बस फिंगर क्रॉस कोई इंजरी ना हो। नहीं, अगर इंजरी हो भी गई तो बहाना यूज नहीं किया जाएगा, और हम ऐसे कंसिस्टेंट रहें। नहीं, करना है। और मोहित के पीछे फिर से जिम चेंज ना करें, जिम में रहें। भाई जिम चेंज कर ले, वेट से वही है, 150 किलो ब्रो। जिम में रहेंगे, मेरे को ये जिम पसंद है, इसलिए हम इसी जिम में रहेंगे। मैं इसको मना चुका हूँ कई बार, पर ये मान नहीं रहा। बट लेट्स डू व्हाट वी वांट टू डू। इंग्लिश बनी नहीं ढंग से। Going up, elevate, watch me demonstrate. On time, never late, I grind, celebrate. No pump fake, hesitate, I been scoring every day. Champagne Perrier, since 9-3, been in the box, now stepping up to home. Like straight out the sandlot, now I'm plotting on the globe. I work hard, I show love, that calm and steady grind. Got this far, I go hard, let God take control. I was starving, skinny, now my weight up. Got no energy for haters. See you trying, see you later. I'm shooting for the stars, need no laser beam, blowing like the greatest, but it's one who's always greater. Go dumb me, go beast on them. I go beast, go deep, I OD on them. I OD, apply pressure, put heat on them. तो वैसे पूरा यहाँ पे मैगी का सेक्शन है, और आप लोग कमेंट करके बताओ सबसे मस्त वाली आपको कौन सी लगती है। मतलब नूडल्स का सेक्शन है, मैगी का नहीं। आई एम फॉरएवर मैगी फैन। बच्चे तू कौन सी खाता है? भाई मैं मैगी खाता हूँ मोस्टली। मेरे को सारी यूपी ट्राई करिए। हाँ भाई, ट्राई करिए सारी बकवास। मैगी वाली ओरिजिनल मैगी, चिकन मैगी ओरिजिनल। हाँ भाई, आ रहा हूँ। अरे और वो भी तो होती है वाई वाई आनी पड़ी। वाई वाई कच्ची खाने में मजा आता है। क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? ये की बात सुन लो, पीछे कर लो दोनों, पीछे प्लेट पीछे कर। क्या ये तमीज है ना? ने गांव से आया वो। क्या हो गया भाई, गांव से आया तो गढ़वाल से आया तो गढ़वाली। गांव कोई छोटी चीज नहीं है, गांव की मिट्टी से जुड़े हैं भाई। हो गए भाई, धन्यवाद। सो गाइस आई एम बैक होम फ्रॉम द जिम एंड अब मैं अपना एक स्कूप ऑफ प्रोटीन लूंगा दूध में। एक बार मैं पानी में लेता हूँ, एक बार मैं दूध में लेता हूँ, क्योंकि दूध पीना भी ज़रूरी है। और देयर इज़ नो एब्सोल्यूट नेसेसिटी कि आपको जिम करने के बाद ही मतलब लाइक प्रोटीन पीना है या फिर जो भी आप अंडे चिकन खाते हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एकदम एकदम बाद में आपको पीना है। आप थोड़ा सा रुक के भी पी सकते हो। जैसे मैं जिम करने के बाद थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करने गया, वहाँ पर थोड़ा सा सामान खरीदा, उसके बाद फिर घर आ ही रहा था कि मेरे को भाई गोलगप्पे वाले भैया दिख गए और मैंने सोचा कि दो चार गोलगप्पे खा लेते, क्या जा रहा है। उसके बाद फिर मैं घर आया तो लगभग 1 घंटा लग गया। तो 1 घंटे बाद मैं अपना प्रोटीन पी रहा हूँ। सो मतलब कोई भागा दौड़ी वाली बात नहीं है। आप फोकस करो अपने ओवरऑल पूरे दिन में आप कितना प्रोटीन, ऑल ओवर प्रोटीन नॉट वे प्रोटीन, प्रोटीन एज अ न्यूट्रिएंट, पूरे दिन में कितना खा रहे हो उस पर फोकस करो। सिर्फ लाइक टाइमिंग पे जिम के बाद करना है, जिम के पहले एकदम 10 मिनट पहले या जिम के 30 मिनट बाद ऐसे करना है, तो उस पर इतना फोकस मत दो। लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और कन्वीनियंट हो जाएगी और ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर रहे, ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ की, तो दिमाग में रखना है बात। एंड अपने वे प्रोटीन के साथ साथ आई विल ऑल्सो बी हैविंग दिस एंड दिस इज़ चॉकलेट ब्राउनी केक एंड दिस इज़ बनाना वॉलनट केक। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मोहित तू फिर से चीट मील खा रहा है, भाई कैसा यूट्यूबर है तू, बस चीट मील खाता रहता है, भाई चैनल बंद कर दे, हमें नहीं देखनी तेरी वीडियोज़ ब्ला ब्ला ब्ला। बट बिच दीज आर प्रोटीन केक्स, इसमें है प्रोटीन एंड लो फैट, तो ये बढ़िया है, ये हेल्दी है और मैं खाऊँगा। वैसे हेल्दी ना होता मैं तभी भी खाता, बट अब हेल्दी है तो मैं आपके सामने स्टाइल भी मार सकता हूँ, मैं खाऊँगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो गाइज विद ऑल ऑनेस्टी ये जो केक्स है मैंने नहीं बनाए, ये मेरी फ्रेंड कनिष्का ने बनाए हैं एंड शी इज़ इनटू बेकिंग केक्स, लाइक हेल्दी वाले भी एंड नॉर्मल वाले भी। और अगर आपको कोई कस्टमाइज लाइक ऑर्डर देना है तो आप उसको रीच आउट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा, गो एंड चेक हर आउट एंड लाइक शी इज़ गुड, बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी। सो गाइज हम आए हैं पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने। पेट्रोल है ना गाड़ी तेरी? हाँ भाई, त्यागी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने। बड़े भाई पेट्रोल डाल दो भाई। कौन सी गाड़ी है? कौन सी गाड़ी है ये क्या नाम है? वरना होंडा ही वरना में भाई 75 का डाल दो। कितना चल रहा है? 500 का डाल दिया भाई इसमें। 500 का, अरे 500 का डाल दिया इसमें, टंकी बोल कर दिया 500 में। ठीक है क्या कह रहा है? बोलियो 500 में टंकी बोल कर दिए इसकी। अच्छा ना भाई, अरे तू मेरे, अरे भैया भैया वीडियो देख के घबरा गए। अरे वहाँ मीटर देख रहा हूँ भाई सिर्फ, पर आप हैंडसम लग रहे हो कसम से, मजाक से हट के बता रहा हूँ। अरे हम यूट्यूबर हैं यार, उसमें यूट्यूब डालते हैं। ना ना ना, हम स्कैम डाल लेंगे तो। शर्मा गए भैया, ये लो भैया पर्ची दे दियो भाई, इसकी पर्ची। थैंक यू भैया, थैंक यू। सो गाइज आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट व्यू दिख रहा होगा क्योंकि इस साल 2020 में पहली बार निकाली है त्यागी ने गाड़ी, और हर बार मेरी गाड़ी होती है। और कल भी मैंने इसको कहा था गाड़ी निकाल ले, बट कल इसने कहा मम्मी ने गाड़ी ऊपर रख दी है। तो गंदे गंदे बहाने, अगर गाड़ी सर्विस पे गई हुई थी गाड़ी, गाड़ी ना निकालने के बहाने अगर आपको चाहिए गाड़ी, इसके गाड़ी सफाई करने वाले क्या करते हैं, साइड वाले पाइप से पानी भर के इस गाड़ी पे डाल देता है भाई। ऐसी होती है गाड़ी साफ होती है, जो नीचे वो कपड़ों का धुले कपड़ों का सब झाग वाला पानी, तो उसी गाड़ी ऐसा कुछ नहीं है। बंदा बढ़िया साफ करता है, हाँ। हफ्ते में 2 बार साफ होती है, बढ़िया। चलिए वो छोड़, अभी मतलब त्यागी ने, जब हम पेट्रोल पंप गए थे त्यागी ने मुझे बोला कि थोड़ी सी वीडियो ऑन कर, मतलब वीडियो बना। तो वो बंदा जो था वो थोड़ा सा बढ़िया बंदा था नो डाउट, बट थोड़ा सा डर गया, घबरा गया। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? देख सबको पता है कि मतलब आजकल पेट्रोल वगैरह पे घपला होता है, चाहे कोई पंप हो, इंडियन ऑयल का हो, भारत का हो, ये तो भारत का था ठीक है, पंप होता है घपला करते हैं, काटा पीटी करते हैं। तो एक ट्रिक मैंने सीखी कहीं से, मुझे पता लगी, तो उन्होंने कहा कि घपले से यार इसको बंद कर भाई, एक सेकंड। हाँ तो उन्होंने कहा कि घपले से बचने के लिए ना कभी भी पेट्रोल भरवाते हुए उनसे थोड़ा ना हेगड़ी से बात करना, और दूसरा कैमरा चला देना। हाँ। अब देख नोटिस करा होगा तूने, कैमरा लगाते उस बंदे की फटी ऐसी वो साइड हो गया, एकदम से साइड हो गया, इधर उधर हो गए। तो वो भाई शांति, और ना हमेशा मैं बता दूं मेरे साथ भी हुआ था यार, प्लीज बंद कर दे ना आवाज, तो रास्ता तो पता तेरे को। हमेशा क्या कह रहा हूँ कि हमेशा बिल मांगना। मेरे साथ भी एक बार किसी पेट्रोल पंप में स्कैम टाइप हो गया था। उस बंदे ने क्या करा, मैंने कहा 2000 का पेट्रोल डाल दो, उसने टाइप किया और भरना शुरू किया। फिर मेरे को कहता भैया मैंने ना गलती से 2000 की जगह 200 लिख दिया था, तो मैंने 200 का भर दिया। मैंने कहा चल ठीक है 1800 का और भर दे, तो उसने 1800 का फिर दूसरी बार भरा। ठीक है, फिर उसको लगा मैं बिल नहीं मांगूंगा, मैंने कहा भाई बिल दे। ठीक है, उसने मुझे 1800 का बिल दिया। फिर मैंने कहा भाई 200 वाला जो पहले भरा था उसका भी बिल दे। वो बंदा वो हो गया, मतलब बोगला गया, हाँ, इधर उधर देखने लग गए। वो उसने क्या करा एक्चुअली में स्टार्टिंग वाला 200 का भरा ही नहीं था, वो पूरा 2000 का 200 लिखना, वो पूरा उसकी चाल थी 200 रुपए का पेट्रोल बचाने की, वो सीधा जाएगी उसकी जेब में। इनका ना कोई मीटर सेट होता है, लेकिन पता है क्या, ये ना बिल में कुछ नहीं घपला कर सकते। तो कभी भी जब आप बिल भर पेट्रोल भरवाओ ना, किसी भी पोल से भरवाओ, इनके पोल होते ना जो 1 2 3 किसी से भरवाओ, उससे बोल भाई तू इसी पोल का बिल निकाल के दे मेरे को, जैसे वो वहीं से बिल निकाल के देगा। जैसे ये बिल होता है इनका, ये बिल निकलवा के लिख रहा अपने पास। अगर वो बोले कि भैया मैंने तो उस वाले पोल से निकलवा के ले आता हूँ, साफ मना कर देना, बोल मैनेजर को बुला भाई हमने, हाँ साफ मना कर। तो ये एक्चुअली में हो रहा है, मुझे तो काफी लोगों ने पहले से ही बता रहे थे, मुझे इसने ही मुझे कई बार बताया, मेरे एक दो दोस्त ने और बताया हुआ है, पर जब मेरे साथ हुआ रिसेंटली तब मुझे लगा भाई हो रहा है। जब अपने साथ होता है ना तब ऐसा लगता है कि भाई हो रहा है असली में। भाई हमारा काम है जनता में जागरूकता फैलाना, हाँ हमने आपको कर दिया सतर्क, और राह दिखाना हमारा काम, मंजिल तक पहुंचना। हाँ ये ऐसा है, जुर्म हमेशा दस्तक देता है। किसी क्राइम पेट्रोल लेना ना, तो भाई हमने आपको बता दिया, बाकी जिम्मेदारी आपकी, है तो बढ़िया। तो भैया जी ये गलत काम हो रहा है जो आप कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। धार जो आपने दीवार पे छोड़ दी है, ये सोच रहे दीवार की तिराई कर रहा हूँ मैं, अभी कच्ची पड़ी है, ये गलत कर रहे हो आप, ठीक है, ये आप बहुत गलत काम कर रहे हो यार। तू इसको बंद कर यार, इसमें इसकी आवाज आ जाती है। सो गाइस आप देखोगे त्यागी ने जैगुआर के ट्रैक सूट खरीदे हैं 4 जैगुआर, आप देख सकते हैं यहाँ पे, बढ़िया है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है भाई, हैंडसम है जैगुआर के ट्रैक सूट। सो गाइस पैसों की बात करते हैं, 3500 रुपये की शॉपिंग करते हुए त्यागी जी 3500। एक मॉन्स्टर पिलाएगा भी, एक 30 रुपये की शॉपिंग हुई है, और शॉपिंग के साथ एक बैग फ्री मिला त्यागी जी को, आप देख सकते हो जैगुआर का बैग है यहाँ पे, बचपन से पहनता आ रहा हूँ ये। चल भाई मॉन्स्टर, ये क्या दे दिया इन्होंने, 2 डंडे हाथ में, डंडे अच्छा साले कैलेंडर है, वो कैलेंडर है ये, और क्या तो 2 क्यों दिए, बिक नहीं रहे थे।